जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल करना सीखेंगे। तो देखिए, समीकरण दिया गया है कि 0.2x प्लस 0.3y बराबर 1.3, समीकरण एक है। और दूसरा समीकरण दिया गया कि 0.04x प्लस 0.5y बराबर 2.3, समीकरण दो दिया गया है। इन दोनों समीकरणों से हमें x y का मान निकालना है और प्रतिस्थापन विधि से इसको हमें हल करना है। तो हम इसका हल कैसे करेंगे, तो चलिए हम इसको देखते हैं। तो देखिए, हम पहले क्या करेंगे, पहले समीकरण एक से x या y का मान निकाल लेंगे। तो चलिए हम लिख देते हैं कि समीकरण समीकरण एक से, तो समीकरण एक को हम क्या लिख सकते हैं, समीकरण एक को हम लिख सकते हैं इस तरह से, इसको लिख दें कि 0.2x बराबर लिख सकते हैं 1.3 माइनस 0.3y, ऐसा लिख सकते हैं। या हम इसको इस तरह लिख सकते हैं कि x बराबर कितना हो जाएगा, 1.3 माइनस 0.3y, इसके बटे हम लिख सकते हैं 0.2। अब यही मान उठा करके हमें क्या करना है, हम इस मान को उठा करके समीकरण दो में रखेंगे। अब क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर हम लिख देंगे कि x का मान समीकरण दो में रखने पर, समीकरण दो में रखने पर इस तरह से लिख करके अब हम आगे क्या करेंगे। अब समीकरण दो क्या है, देख रहे हैं लिखा गया है कि समीकरण दो लिखा गया है कि 0.4x और हमें x के स्थान पर कितना लिखना है, 1.3। तो हम x के स्थान पर ऐसे गुणा का निशान बनाते हैं, इसके बाद x के स्थान पर लिखें कितना, 1.3 माइनस 0.3y और कुल के बटे 0.2, और इस तरह से प्लस लिख देंगे 0.5y। इसको सरल करेंगे और ये बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3। अब इसे सरल करेंगे तो हम क्या करेंगे, इसमें चार का गुणा कर देंगे। तो जब चार का इसमें गुणा करें नहीं तो ऐसा कर सकते हैं, देखिए यहाँ दो है, यहाँ पर 0.4, इसको ऐसे काट सकते हैं। तो देखिए 0.0 से हट जाएगा और ये हो जाएगा 2 1 कम 2, दो दोनों में 4, यहाँ आ जाएगा बराबर, ये हो गया कितना, ये आ गया 2, और ये हो गया 1.3 माइनस 0.3y प्लस 0.5y और ये बराबर हो गया 2.3। अब इसको आप हल करेंगे तो देखिए इनका गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 और यहाँ पर माइनस हो जाएगा 0.6y और ये हो जाएगा प्लस 0.5y और बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.3। इस तरह से अब 0.6y और 0.5y दोनों में देख रहे हैं, एक प्लस है और एक माइनस है, दोनों को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2.6 और ये हो जाएगा माइनस, यहाँ लिख सकते हैं 0.1y हो जाएगा और ये बराबर आ गया 2.3 के। अब हम क्या करेंगे, इसको हम इस तरह लिख सकते हैं, 2.3 को इधर ला दें और इसको उधर ले जाएं तो क्या हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं कि 0.1y बराबर हो जाएगा 2.6 और माइनस हो जाएगा 2.3, माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा, 0.1y
ये बराबर हो जाएगा, घटाएंगे तो आ जाएगा 0.3 हो जाएगा, ये हो गया 0.3। और यहाँ देखिए दशमलव लगा है तो y बराबर कितना आ जाएगा, 0.3/0.1, ये बराबर हो जाएगा 3, दशमलव दशमलव से कट हो जाएगा, तो y का मान आ गया y = 3। इस तरह से y का मान आपको मालूम हो गया। अब आप क्या करेंगे, y का मान इस समीकरण x में रख देंगे तो आपको मालूम हो जाएगा, आप लिख देंगे x बराबर 1.3 और माइनस लिखेंगे 0.3×3 तो हो जाएगा 0.9 हो जाएगा, और कुल के बटे हो जाएगा नीचे 0.2। तो जब इसको सरल करेंगे कितना हो जाएगा, आ गया ऊपर 0.4/0.2 हो जाएगा, भाग करेंगे तो आ जाएगा 2। इस तरह से x का मान आ गया 2। आशा करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, आप इसको सब्सक्राइब जरूर करेंगे और हमें कमेंट जरूर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।